दिवाली का त्यौहार बहुत ही खूबसूरत होता है। दिवाली लाइटों का त्यौहार होता है और दिवाली में साफ सफाई घरों को सजाना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ दिवाली में बिना पटाखों के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। लेकिन पटाखों से प्रदूषण भी होता है और साथ ही साथ एनिमल्स को हार्म होने का खतरा भी रहता है। ऐसे सेलेब जिन्होंने पटाखों के ऊपर ज्ञान दिया और फिर वो ट्रोलिंग का शिकार हो गए, आलिया भट्ट ने एक बार कहा था कि वो पटाखे नहीं चलाने चाहिए, पटाखों से पर्यावरण होता है, प्रदूषण होता है। इस कारण से आलिया भट्ट ट्रोल हो गई थी, क्योंकि जब लोगों ने कहा कि न्यूयॉर्क पे न्यूयॉर्क पे तुम खुद ही पटाखे फोड़ते हो इतने सारे सेलेब्स, तब प्रदूषण क्यों नहीं होता। प्रियंका चोपड़ा दिवाली को लेकर दिए गए अपने भाषण की वजह से ट्रोल हो गई थी। प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि दिवाली पे हमें पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को अस्थमा की बीमारी हो सकती है जिसके धुएं से बहुत परेशानी होती है। लेकिन कुछ समय बाद निक जोनस के साथ वो वेकेशन में खुद ही सिगरेट पीते हुए दिखी थी, जिसके बाद लोगों ने खूब ट्रोल किया। कयामत मूवी से अपनी पहचान बनाने वाली नेहा धूपिया भी एक बार पटाखों को लेकर बयान के वजह से ट्रोल हो चुकी है। नेहा धूपिया ने एक बार कहा था कि हमें इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए और पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके बाद नेहा धूपिया भी खूब ट्रोल हुई थी। आमिर खान अपने बयानों के चलते कई बार ट्रोलों का शिकार हो चुके हैं। आमिर खान अब तो उनकी फिल्मों पर भी उनका असर देखने को मिला है। कुछ समय पहले सरकार ने कहा था कि पटाखों को बैन करना चाहिए, इस पर आमिर खान ने उनकी बात को सही कहा था, उसी में ट्रोलिंग का शिकार हो गए थे। आमिर खान को लोगों ने कहा कि क्या हिंदू त्यौहार को ही बैन करना चाहिए। अनुष्का शर्मा को कई बार देखा गया है जानवर के प्रति स्नेह करते हुए और प्रदूषण के प्रति मैसेज देते हुए। एक बार विराट कोहली ने मैसेज करा था कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए इन्वायरमेंट के, उसके बाद लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया अनुष्का शर्मा को और विराट कोहली को, दोनों को।